वंश में मनुष्य कैसे आया? हाँ? वैसे तुम हो कौन? मुझे तुम्हें शिकार लगता है। ये जो भी है, शेर वंश में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रुको तेज। आचार्य शमशेर। क्या है शेर वंश की पुकार? अच्छाई होगी जीत, बुराई होगी हार। तो अच्छाई को मौका दो। ये जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य दुश्मन ही हो, और ये तो मेरे पुराने शिष्य शेरवंशी के साथ आया है। आचार्य शमशेर। इस मनुष्य के अंदर शेर दिल की खुशबू है, पर हाथ पर शेर दिल निशान नहीं। कौन हो तुम बच्चे? मैं अजय। आचार्य जी, ये शेर दिल लिटिल सिंघम था, पर बुराई के विष ने इसकी शेर दिल शक्ति छीन ली। इसे अपनी शक्ति दोबारा पाने का एक मौका दीजिए। अपने आसपास देखो, कितने उम्मीदवार इस मौके के लिए बरसों से तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम इन सब के साथ कदम मिला पाओगे? आचार्य शमशेर, पृथ्वी खतरे में है। बुराई का जहर हर जगह फैल रहा है, और एक शेर दिल ही बुराई का अंत कर सकता है। पृथ्वी को बुराई से बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मानना पड़ेगा, तुम में एक शेर दिल की हिम्मत तो है। ठीक है, तुम परीक्षा में भाग ले सकते हो। क्या? हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक बच्चा हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? ये तो शेर भी नहीं है, मनुष्य है। ये तो गलत है आचार्य। खामोश। परीक्षा पर ध्यान लगाओ, सही गलत पर नहीं। जबरदस्त, छोटे से हो पर हमसे टक्कर लेने के लिए 2 मिनट में तैयार हो गए। एक बार फिर सोच लो, परीक्षा आसान नहीं होगी। तेज, अजय को क्यों डरा रहे हो? परीक्षा से पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन शेर दिल है और कौन बस दिल। वहाँ नहीं, यहाँ असली शेर दिल की जीत हो।